तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एसपीएस गेमिंग जोन में। नोफीक न्यूज, नोफीक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। दोस्तों आपको पता है कि आज 24 मार्च है, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों देख सकते हैं गेम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वही पुराना इंटरफेस है जो कि कल आ रहा था। आपको पता है 30 मार्च को OB33 का अपडेट आना था, बट दोस्तों अभी तक देख सकते आया नहीं है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, तो हो सकता है थोड़ी देर के अंदर ही चेंजेस कर दिया जाए या फिर 1-2 दिन के अंदर ही चेंजेस कर दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फ्री फायर जो मैक्स है ना, उसका प्ले स्टोर में अपडेट आया था 177 MB का, ठीक है दोस्तों। उसे भी मैंने अपडेट कर लिया, बट दोस्तों कुछ भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। तो उसके अंदर भी सेम टू सेम पुराना ही इंटरफेस है। बट चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, हमारी गेम के अंदर एक नया इवेंट आया, ठीक है दोस्तों। वो आपको बताते हैं कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखते हो ये वाला करेक्टर, यहाँ पे मतलब ये वाला इवेंट आया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा रिडीम फ्री करेक्टर, तो गाइस ये वाला जो इवेंट है इसको आपको कंप्लीट करना है और यहाँ से आपको एक फ्री करेक्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। इसमें गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा ना कंप्लीट मिशन टू गेट टोकन नाउ, तो गाइस आपको ये वाला टोकन मिलेगा। आपको मिशन कंप्लीट करना है, डेली ये वाले मिशन आएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वाला जो इवेंट है इसके अंदर ये वाले टोकन जब आप क्लेम करेंगे, तो गाइस यहाँ पे एक्सचेंज टोकन लिखा ना, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, 100 टोकन की मदद से दोस्तों आपको एक क्रेट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से दोस्तों आपको करेक्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते इस क्रेट का नाम करेक्टर चॉइस क्रेट है, मतलब कि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे करेक्टर फिर से दिखाए जाएंगे और दोस्तों आपको उस पर जो भी है टिक लगा के वो एक करेक्टर ले लेना है। बट दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको टेम्परेरी मिलेगा, यहाँ पे इतना लिखा है रिडीम फ्री करेक्टर, मतलब एक करेक्टर आप देख सकते कोई भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते डीजे लोग वगैरह भी बन रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है परमानेंट ही हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा रिडीम फ्री करेक्टर, लिखा है सिंपली दोस्तों इतना है। और साथ में इससे 100 टोकन इकट्ठे करने हैं, ठीक है दोस्तों। और ये 100 टोकन आप टेंशन मत लीजिए, आपके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से इकट्ठे करने, और दोस्तों आप इस क्रेट को 99 तक ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से परमानेंट देखने को मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता ये तो कुछ नहीं पता। हो सकता है दोस्तों इसके अंदर से आपको या तो टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा दी हो, या 7 दिन के लिए करेक्टर देखने को मिले, या 3 दिन हो गए, या फिर 14 दिन के लिए, ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। बट दोस्तों देखते हैं, अगर 100 टोकन लेने तो उसके लिए यार 24 घंटे वाला करेक्टर तो हमें देने नहीं वाले, ठीक है दोस्तों, आपको पता है। तो हो सकता है यार हमें टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा के देखने को मिले, या फिर परमानेंट मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखते डीजे लोग बना है, इसका मतलब है कि डीजे लोग भी इसमें हो गए। तो मैं बात कर ले दोस्तों कि जो टोकन आप इतने सारे कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो कैसे यहाँ पे कलेक्टिंग टोकन लिखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते इतने सारे टोकन आपको देखने मिल रहा है, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11 टोकन, मतलब कि दोस्तों डेली मिशन अगर आप कंप्लीट करेंगे तो डेली आपको 11 टोकन देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 100 फिर भी कैसे क्लेम करेंगे, तो कैसे आप टेंशन मत लीजिए, ये वाला जो इवेंट है 24 मार्च से शुरू है, और दोस्तों ये वाला जो इवेंट है आपका 15 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। 15 अप्रैल सुबह 4 बजे तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि आपके पास उस दिन तक काफ़ी ज़्यादा टोकन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब 300 तक आप टोकन इकट्ठे कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। कैसे यहाँ पे जो डेली मिशन है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा पहले प्ले वन मैच, आपको एक गेम प्ले करना किसी भी मोड में कर देना, ठीक है। उसके बाद लिखा किल 5 एनिमीज, वो भी दोस्तों आप किसी भी मोड में कर देना, चाहे लोन वोल्फ में कर देना, चाहे क्लच कोड में, आपका काउंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा बुया इन CS मोड, यहाँ पे देखिए 30 नंबर पर लिखा बुया इन CS मोड, मतलब कि CS मोड क्लच कोड मोड में आपको बुया करनी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद लिखा रीच टॉप 5 1 टाइम्स इन बियर, मतलब कि जो अगर आप क्लासिक वाला गेम प्ले करेंगे तो उसमें आपको टॉप 5 नंबर पर आना, ठीक है दोस्तों, तब भी आपको एक टोकन देखने मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा प्ले 60 मिनट्स, मतलब कि आपको 60 मिनट तक गेम खेलनी किसी मोड में खेलना तो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा प्ले 8 मैचेस, वो भी दोस्तों आप किसी भी मोड में 8 मैचेस कंप्लीट कर देंगे ना, चाहे लोन वोल में, चाहे क्लच कोड में, चाहे क्लासिक में, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है प्ले 80 मिनट, ठीक है दोस्तों, 80 मिनट टोटल आपको गेम खेलना। उसके बाद लिखा है प्ले 12 मैचेस, मतलब कि दोस्तों आपको टोटल 12 मैचेस कंप्लीट कर देने, 80 मिनट गेम खेलना और किल विल कर देने, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों जो बुया लिखी है एक CS मोड में लिखी है, एक लिखा टॉप 5 पर आपको आना है क्लासिक में, ठीक है दोस्तों। अब ये सारे मिशन कंप्लीट कर देंगे, डेली आपको आएंगे, तो कैसे आपको रोज के रोज 11 टोकन देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों आप फिर भी सोच रहे हैं यार फिर भी हम कैसे कंप्लीट करेंगे, जितने टोकन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो कैसे हो पाएंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा है बाय 1 with 500 gold इन स्टोर, मतलब कि दोस्तों आप स्टोर में जाकर भी इस टोकन को परचेज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं स्टोर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्टोर पर जैसे क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वो वाला टोकन। यहाँ पे देखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको वो वाला टोकन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो गाइस ये वाला टोकन जो है आपको 500 गोल्ड में देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों डेली में आप 4 ही क्लेम कर सकते हैं, मैं आपके सामने से परचेज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मैक्स भी क्या, तो 2000 गोल्ड में 4 मिले, ठीक है दोस्तों, वैसे क्लेम कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप डेली दोस्तों 4 टोकन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब 15 अप्रैल तक ले सकते हैं। तो आपके पास कम से कम 300 तक तो टोकन इकट्ठे हो जाएंगे, तो इतने में दोस्तों आप 3 क्रेट को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 क्रेट तक आप क्लेम कर सकते हैं, और उस क्रेट में से आपको दोस्तों वैसी है जैसे आपको पता, अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले हमें क्रेट मिला था जिसके अंदर से 24 घंटे के लिए करेक्टर मिले थे, हम उस पर क्लिक कर रहे थे और हमारा जो भी करेक्टर हमें अच्छा लगता था हम वो वाला ले लेते थे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास वो क्रेट पड़ी होगी, ठीक है दोस्तों, मैं भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे होगी, ठीक है दोस्तों। वो क्रेट मैंने ओपन नहीं की थी, रखी हुई है, ठीक है। तो उस क्रेट के अंदर से आपको पता कि 24 घंटे के लिए हमें वो करेक्टर मिलते थे, ठीक है। तो हम अपने चॉइस वाले करेक्टर जो भी हमें पसंद आता था उस पर टिक लगा लेते थे और वो वाला करेक्टर क्लेम कर लेते थे, ये वाली क्रेट, ठीक है दोस्तों। आपको भी इसी टाइप से देखने को मिलेंगे करेक्टर बहुत सारे, हो सकता है उसकी टाइमिंग ज़्यादा हो या फिर अगर परमानेंट होते तो बहुत ही अच्छी,
बात है। इसके अंदर दूसरे डीजे लोग भी था, सारे करेक्टर थे, ठीक है। तो आप उन पर भी कोई चॉइस अपनी लगा कर उस पर करेक्टर को क्लेम कर सकते हो, तो इससे ऐसा इवेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों अगर परमानेंट मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर हो सकता है ज़्यादा टाइमिंग के लिए देखने को मिले। परमानेंट मुझे भी नहीं लगता दोस्तों देंगे, अगर दे देते हैं तो गाइस आपको बहुत ही अच्छी बात हो जाएगा, डीजे लोग भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ आएगा कि ये वाला जो इवेंट है आपको कैसे कंप्लीट करना है, टोकन वगैरह कैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो कहाँ से आपको परचेज करने है और कैसे आपको मिशन कम्प्लीट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।